आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम, इसमें सबसे पहला पॉइंट हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट्स इन ऑर्डर टू हैव रैपिड एक्सेलरेशन। रैपिड एक्सेलरेशन के लिए हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट्स चाहिए। सेकेंड पॉइंट में सेल्फ कंटेन एंड कॉम्पैक्ट लोकोमोटिव सो दैट इट मे बी एबल टू रन ऑन एनी राउट। मतलब जो ट्रेन यूनिट है वो सेल्फ कंटेन और कॉम्पैक्ट लोकोमोटिव चाहिए, जिसकी वजह से जो ट्रेन है वो कौन सा ही रूट पर रन हो सके। थर्ड पॉइंट, इक्विपमेंट कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग लार्ज टेम्पररी ओवरलोड्स। जो अपना इक्विपमेंट है वो कैपेबल होने चाहिए लार्ज टेम्पररी ओवरलोड को एक्सेप्ट करने के लिए। फोर्थ पॉइंट, मिनिमम वियर ऑन द ट्रैक्स। ट्रैक पर कम से कम फ्रिक्शन होना चाहिए, वियर मतलब फ्रिक्शन। पॉइंट, ब्रेकिंग शुड बी सच दैट मिनिमम वियर इज कॉज्ड ऑन द ब्रेक शूज एंड इफ पॉसिबल द एनर्जी शुड बी रीजनरेटेड एंड रिटर्न टू द सप्लाई। ब्रेकिंग अपनी ट्रेन की ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से अपने जो ब्रेक शूज है उस पर कम से कम फ्रिक्शन हो सके, और अगर पॉसिबल है तो एनर्जी को रीजनरेट करो और सप्लाई को रिटर्न दो। सिक्स्थ पॉइंट, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड शुड बी मिनिमम हाई एफिशिएंसी लो इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। मतलब इक्विपमेंट है कम से कम चाहिए, उसकी हाई एफिशिएंसी लो इनिशियल और मेंटेनेंस कॉस्ट होनी चाहिए। सेवेंथ पॉइंट, नो इंटरफेरेंस टू द कम्युनिकेशन लाइन रनिंग अलोंग द ट्रैक। मतलब ट्रैक के साथ जो रनिंग हो रही है कम्युनिकेशन लाइन उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। एट पॉइंट, इजी स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल जो है अपना इजी होना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट में, इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए।